नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में एक हैवी सेल ऑफ फर्स्ट हाफ में हम देख रहे हैं, और उस हैवी सेल ऑफ के बाद इंडेक्स थोड़ा सा लोअर लेवल से जरूर मूव करके गया है। करीब करीब 17,846 के लोज, और वहां से 50 अंकों का मूव इंडेक्स ने लोअर लेवल से एटलीस्ट दिखाया है। निफ्टी ने 17,896 के आसपास का मौजूदा स्तर देखने को मिला। तो एक हैवी सेल ऑफ ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे, लेकिन निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ा बहुत पुल बैक जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 50 अंकों का पुल बैक है मिड कैप में, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से मूव के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 1000 अंकों की बिकवाली अभी भी देखने को मिल रही है, 2.5% नीचे निफ्टी बैंक देखने को मिल रहा है। तो एक हैवी सेल ऑफ इंडेक्स में अक्रॉस द बोर्ड, और आज मेजर कारनेज जो है वो अगर किसी ग्रुप में है तो वो है अदानी ग्रुप, जो कि तेज बिकवाली के साथ पूरे ग्रुप में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 7-8% ऑन एन एवरेज यहां पर फॉल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटीज से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी का एक राय हम जानेंगे मार्केट्स पर, इंडिविजुअल कॉल्स पर, और साथ ही साथ आज उनसे एक हीरो जीरो भी लेते हैं। एक्सपायरी का दिन है और हमें मिल गया आज बुधवार के दिन ही, तो उनसे एक हीरो जीरो ट्रेड भी लिया जाए। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले आपके सामने वो इंडेक्स के कुछ ऑप्शन के नंबर जरूर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खासतौर से जो सिचुएशन है वो ऊपर के लेवल पे 18,200 पे अटकती है, और नीचे के लेवल पे आके कहीं 17,770 पे अटकती है। तो यही एक रेंज को मार्केट ब्रॉडली प्ले कर रहा है। अब वो रेंज है तो वही, लेकिन एक ही दिन में उस रेंज को इंडेक्स ने ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखा दिया है। तो इसीलिए इंट्राडे में अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो 18,100 से 17,850 तक के जोन्स इंडेक्स ने एक ही दिन के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं। बैंक निफ्टी करीब आपकी स्क्रीन पर 42,600, ये वो हायर लेवल है जहां पे आके बैंक निफ्टी अटकता है। 41,700 41,800 के जोन्स में बैंक निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 41,700 पे 41,800 पे मेजर कॉल राइटर है, 42,000 के जोन्स के अंदर कॉल राइटर है, और साथ ही साथ जो पुट राइटर्स हैं वो करीब करीब 41,700 के जोन्स में ही आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली मार्केट्स के अंदर जो दायरा है उसमें ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, और लोअर लेवल से यहां पर सपोर्ट आमतौर पर लेता है, उसी के आसपास इंडेक्स अब घूम रहा है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंडेक्स में 7-8 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, वो 18,200 और 17,700 वाले, और पिछली बार भी जो कल के सत्र में 18,200 पार हुआ और उसके बाद जो बिकवाली आई, लग रहा था कि शायद ये वापस बाजार बिकवाली की तरफ ले जाएगा, और वो आज पूरी हो भी गई। तो आज के लिए बिकवाली डन, या फिर अभी और पेन बाकी सिस्टम में? गुड आफ्टरनून सुमित जी, तो ये छठा वीक है जहां पे हमने निफ्टी को देखा कि एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा, जो लोअर बैंड था 17,800 के आसपास और ऊपर में 18,200, तो ये बैंड में हम पिछले 6 वीक से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट दोनों ही रेंज को हमने मल्टीपल टाइम टच किया है, वहां से वापस पुल बैक बनाया। और इस तरीके का बिहेवियर मार्केट का जस्ट बजट के पहले वीक में देखना थोड़ा एक सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बजट के पहले यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है, यहाँ से लगता है कि मार्केट में थोड़ा लो पार्टिसिपेशन है, मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है बजट के पहले। अब आज के सेटअप के हिसाब से देखें तो यस, आज के लिए तो हमें लगता है कि बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। जो अगर हम देखें तो लोअर बैंड था, पुट राइटर्स ने अपनी पोजिशन आज यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पर कवर करते हुए दिखी, क्योंकि हम जो 18,000 और 17,900 दोनों ही सपोर्ट को तोड़ के उसके नीचे भी फिसले, तो जो पुट राइटर्स थे 18,050-18,000 सारे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन भी वहां पे अनवाइंड करना चालू करी, क्योंकि वहां पे लॉसेस उनके बढ़ते गए। तो ये एक कवरिंग होते से थोड़ा मार्केट यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन से पुलबैक जरूर दिखा सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर तो वीक है, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ से पुलबैक का ट्रेंड निफ्टी में तो बन सकता है। 17,900 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, आज के लो के आसपास स्टॉप लॉस होंगे, 17,815 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर ये लो नहीं टूटते तो एक पुल बैक बन सकता है 17,980, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 17,000 के आसपास मार्केट वापस आते हुए दिख सकता है। वहां पे मार्केट में हमें लगता है कि अब एक्सपायरी 18,000 के आसपास होते हुए दिखेंगे अगर ये पुल बैक बनते हैं तो हमें लगता है निफ्टी में थोड़ा सेटअप अट्रेक्टिव है, थोड़ा पुल बैक यहाँ से अब बनता हुआ दिख सकता है, ओवरसोल्ड जोन में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। तो अट्रैक्टिव सिचुएशन निफ्टी की दिख रही है, आप इंट्राडे लूज के आसपास के एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। राजेश जी मानने की यहां से अब पुल बैक प्ले शायद इंडेक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजेश जी निफ्टी बैंक को लेकर आपकी रणनीति, क्योंकि वहां पर भी आज सेल ऑफ ज्यादा है और वहां पुल बैक उतना नहीं है जितना फ्रंट लाइन इंडेक्स में है, तो यहां क्या करें? बैंक निफ्टी में तो जो आज का लो बना वो काफी क्रूशियल लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी ने आज लो बना के आया, जो कि 41,500 के आसपास। ये भी अपने देखे तो पिछले 4-5 वीक से जिस तरीके से बिहेवियर था
इसने भी अपने लोअर बैंड को टेस्ट किया आज और ऑलमोस्ट वहीं से लो बना के पुल बैक जरूर बनाया, 300-400 पॉइंट का पुल बैक जरूर बनाया लोअर बैंड से। लेकिन हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो चैलेंजिंग लेवल अब लग रहा है वो 42,000 का है, क्योंकि काफी पुट बेस था वो आज रिस्क पे गया और वहां पे पोजिशन अनवाइंड होते हुए दिखी। तो जिस तरीके से कल मार्केट में कॉन्फिडेंस आया था बैंक निफ्टी के फ्रंट से 42,600-42,700 की रेंज के ऊपर जाने में कामयाब हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी अब एक लीडरशिप लेते हुए दिखेगी, लेकिन आज के सेल ऑफ में वो सारा कुछ सेटअप वॉयलेट होते हुए दिखा है। हमें लगता है आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 42,000 अभी इमीडिएट हर्डल है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगा। कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऐड की है आज के सेशन में 42,200-42,000 ये स्ट्राइक का कॉल राइटर नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे, और पुट राइटर्स तो अपने बेस को ऑलरेडी वहां पे एक लॉसेस पुट राइटर्स ने बुक किए। तो हमें लगता है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में 41,600 स्टॉप लॉस होगा, पुल बैक का ट्रेड प्ले किया जा सकता है 42,000 तक के लिए, उसके ऊपर निकलते हैं तो 100-200 पॉइंट और बढ़ सकता है, लेकिन हमें लगता है अब एक्सपायरी जो होना चाहिए वो करीब 42,000 के आसपास ही होते हुए दिख सकती है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अब थ्रू आउट द डे 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी एक्सपायर होने की कोशिश करेगी। 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी शेयर एक्सपायर होने की कोशिश करेगी, ये राजेश जी का मानना है। राजेश जी, अब क्योंकि आज आप बुधवार को मिले हैं, एक्सपायरी है, और आमतौर पर हम एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड भी लेते हैं, तो आज आपकी बारी आ गई हीरो जीरो की, क्या करना चाहिए, क्या इसमें हीरो जीरो कोई ट्रेड मिला आपको? निफ्टी में एक ट्रेड किया जा सकता है, हालांकि पिछले 15-20 मिनट में एक पुलबैक जरूर बना है, 40-50 पॉइंट का नीचे से अच्छी रिकवरी बनी, तो मेरा पहले फोकस था 17,900 के कॉल ऑप्शन में, लेकिन ऑलरेडी प्राइस अब 37 रुपए हो गया, अब हम यहाँ पे 17,950 के कॉल ऑप्शन को फोकस कर सकते हैं, जो कि अभी 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है आज की एक्सपायरी का। यहाँ पे हीरो हीरो ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, आपकी रिस्क 16 रुपए की। हमें लगता है जैसा कि यहाँ से पुलबैक बना है 17,980 और 18,000 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है, तो ये कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। यहाँ पे टारगेट जो सेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट डबल के 36 से 45 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें पैसा बनना है तो यहाँ से डबल हो सकता है, अदरवाइज ये जीरो भी हो सकता है, तो जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो ही इसमें ट्रेड इनिशिएट करे, क्योंकि हम एक पुल बैक को प्ले कर रहे हैं एक सेल ऑफ के बाद ओवरसोल्ड जोन से, और जिस तरीके से कॉल राइटर्स को यहाँ पे 17,900 के ऊपर अपनी पोजिशन अनवाइंड करनी पड़ेगी, तो ये ऑप्शन में एक मूव मिल सकता है, तो 36 से लेकर 45 तक के ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा जीरो और 16 रुपए के आसपास ही ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, 17,950 का वो बाय कर सकते, 17,950 का ऑप्शन, थोड़ा सा करेक्शन राजेश जी, आपसे बातचीत में ही वो 16 रुपए से अब 19 रुपए की तरफ जा चुका है, तो 18.5-19 रुपए के रेंज में भी ये काम काज कर रहा है, और यहां पर जो टारगेट पहला दिख रहा है वो 36 रुपए और दूसरा 45 रुपए है। औपचारिकता के लिए आप कोई भी स्टॉप लॉस में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये हीरो जीरो ट्रेड है तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास हाई रिस्क की एपेटाइट है और जो एक बड़ा रिस्क आज के लिए ले सकते हैं। तो आप अगर रिस्क लेने की एपेटाइट रखते हैं तो 18 रुपए के जोन में ये 17,950 की कॉल आज की ही कामकाज कर रही है, ये 36 रुपए पहला टारगेट देखेगी और 45 दूसरा टारगेट देखेगी, ये राजेश जी का मानना है। स्टॉप लॉस में कोई नहीं रहेगा या फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं। ओके, अब राजेश जी, अब हम आते हैं इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आज, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स में सेल ऑफ है और फ्यूचर के स्टॉक्स में हैवी सेल ऑफ है, तो आज आपके सामने पुल बैक प्ले करने के लिए बहुत कुछ है, क्या करेंगे, कौन सा स्टॉक लॉन्ग कौन सा स्टॉक शॉर्ट? देखिए आज रिलेटिवली देखें तो ऑटोमोबाइल स्पेस में अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली, आप देखें मारुति बजाज ऑटो और भी दूसरे स्टॉक्स में थोड़ा पुल बैक बना है, तो बजाज ऑटो के साथ जाना चाहिए, मारुति में तो काफी अच्छा रन अप कल से ही कंटिन्यू हुआ है, तो वहां पे अभी हम उसको छोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन बजाज ऑटो में हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, ये स्टॉक में एक राउंडिंग बटन फॉर्मेशन बन रहा है डेली सेटअप पे, तो बजाज ऑटो में फरवरी के फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी, फरवरी फ्यूचर में बाय करें, अपसाइड का टारगेट आना चाहिए 3800-3820 का, स्टॉप लॉस होगा 3720 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है अट्रैक्टिव यहाँ से बाय किया जा सकता है वो होगा यहाँ पे रिवर्सल का प्ले करने के लिए केमिकल स्पेस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और हमें लगता है कि यहाँ से एक सेलिंग के बाद SRF को यहाँ पे फोकस में लाया जा सकता है, SRF में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो लोअर साइड से एक रिवर्सल बना है SRF में एक पुलबैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, फरवरी फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी 2180-2200 तक के अपसाइड के लिए, स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2080 के आसपास, और जो बिकवाली के लिए स्टॉक हमें लगता है वो सीमेंट स्पेस में यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, सीमेंट स्पेस में काफी वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिखी है,
जिस तरीके से वीक स्ट्रक्चर हो चले हैं उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे एसीसी पे फोकस करना चाहिए। काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है एसीसी का और जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली है एसीसी फरवरी फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉक में आज का जो ब्रेकडाउन है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है और प्रीवियस लो को भी तोड़ा है इसने जो कि बने थे इसमें अक्टूबर में वो लो भी टूटते हुए दिखे। तो एसीसी फरवरी फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 2245 का, डाउन साइड के टारगेट होंगे 2130 तक। 2130 के टारगेट्स के लिए आप एसीसी में बिकवाली करके चल सकते हैं। वैसे भी सीमेंट स्पेस आज हैवी सेल ऑफ है तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसआरएफ दूसरा नाम है जो कि लॉन्ग साइड पे राजेश जी ने चुना है जिसको आप एक अच्छी तेजी के लिए देख सकते हैं। करीब 2180 2200 के टारगेट्स के लिए 2020 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय है। तो एसआरएफ एक लॉन्ग साइड पे और साथ साथ एक एसीसी के अंदर बिकवाली करके चलने की राय राजेश जी की तरफ से आते दिखाई पड़ रही है जिसमें आप 2130 के टारगेट्स देख सकते हैं। करीब करीब 2245 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो नंबर से पहले 3800 रुपए का टारगेट, 3720 का स्टॉप लॉस यहां पर भी आप लगाकर चल सकते हैं। दो तीन नाम जिसमें आज राजेश जी हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है उसमें नंबर्स के दम पे यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब करीब 6% नीचे है, लेकिन ये जिस जोन में आ गया है वो जोन से ही आमतौर पे पुल बैक लेता है 775-770 के जोन के अंदर, तो 760-775 बेसिकली, तो क्या करना चाहिए यहां पर? बिल्कुल, तो हमें लगता है 15-20 रुपए की और डाउनसाइड है जो कि इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। 760-770 जो इसके प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे वो ब्रेकआउट में इसने हर बार यहाँ से सपोर्ट लेके वहां से पुलबैक दिया है, तो हमें लगता है 15-20 रुपए की डाउनसाइड अगर मिलती है तो वहां पे एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक अच्छे सपोर्ट और अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल रहेगा। उस समय स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब वहां पे 750 के आसपास, तो 10-15 रुपए की डिप अगर मिलती है तो वहां बाय करेंगे और 750 के स्टॉप लॉस से पोजिशन वहां पे एक बार अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग साइड की क्योंकि एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट कहीं अवेलेबल रहे। तो करीब 10-12 रुपए का और रिस्क आप उठा सकते हैं तो आप जरूर लॉन्ग जा सकते हैं। ऑलरेडी बीटन डाउन है और लगातार प्रेशर के बाद नंबर्स आया, नंबर्स के बाद प्रेशर, तो किसी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे राजेश जी से ऑटो स्पेस को लेकर, लेकिन उससे पहले यतिन हमारे साथ मौजूद है और यतिन से हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर क्या उम्मीदें लगाई जा रही है और उसमें आज सेक्टर जो यतिन ने चुना है वो है बैंक्स। तो बैंक्स को लेकर यतिन क्या उम्मीदें लगाई जाए? नमस्कार, देखिए जहां तक कि बैंकिंग सेक्टर का सवाल है ऑब्वियसली काफी सारी स्कीमें सरकार ने कोविड में चलाई थी और बाजार का एक्सपेक्टेशन ये है, जो ब्रोकरेजेस हैं उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि इस टाइम भी एमएसएमईज यानी छोटे उद्योगों के लिए जो सरकार एमएसएमई की गारंटी स्कीम्स लाती है या एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी यानी चाहे वो सोलार हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, यहां फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए सरकार कोई पुख्ता इंतजाम करे, कोई बढ़ावा देने की स्कीम लाए, उसको रिलेटेड भी बाजार में एक्सपेक्टेशन है। ऑब्वियसली हमने देखा है स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिए भी सरकार काफी सारी कोशिशें कर रही है। आईडीबीआई बैंक का ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो पहला राउंड था वो क्लोज हो गया, वहां आगे जाके क्या रणनीति है सरकार की स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को लेके उस पर क्लैरिटी होगी। 2 पीएसयू बैंक्स के विनिवेश की बात पिछले बजट में की है सरकार ने, तो यहां का क्लैरिटी आएगी, इसको रिलेटेड भी काफी सारी चीजें बजट से एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली जो ईटीसी की लिमिट बढ़ाने की संभावना है जहां मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाया जाए उसको लेके भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेके एनबीएफसी को लेके एक एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग या हेल्थ इंश्योरेंस की जो फाइनेंशियल लिमिट्स है इसको अगर सरकार चेंज करती है तो ना ही बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा लेकिन एलाइड जो दूसरी बीएफएसआई सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस और एनबीएफसी है इनको भी फायदा होता दिखाई पड़ सकता है। तो ये तमाम वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की लग रही है इस बजट में। साथ ही साथ पूरे पीएसयू बैंक्स पे आप नजर रखेंगे क्योंकि कोई भी अगर एक्सपेंशन होता है विलेजेस में तो उसके ऊपर भी कुछ इंपैक्ट रहता है तो वो भी क्रूशियल पार्ट रहेगा और एक बड़ी तेजी के बाद आपके सामने पूरे पीएसयू बैंक में बड़ी तेजी के बाद आपके सामने बजट आ रहा है तो बड़ा क्रूशियल रहेगा इस लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस सेक्टर पर आज बातचीत करने के लिए। पीएसयू बैंक करीब करीब 4% नीचे आज कामकाज कर, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग स्पेस ही आज हैवी सेल ऑफ के बीच में कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, राजेश जी बने हुए उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे छोटे से ब्रेक।
ये फ्यूचर एक्सप्रेस और इंडेक्स जो है वो करीब करीब 17,900 के इर्द गिर्द अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसी रेंज के अंदर है लोअर लेवल से पुल बैक के बाद, लेकिन जो दायरा है वो जरूर हैवी सेल ऑफ के बाद एक बनता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, अब बारी आती है सस्ते ऑप्शन की, कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने चुना? सुमित जी, ऑप्शन जो चुना है वो अगेन ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस से, हमें टीवीएस मोटर यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद जिस तरीके से वापस रिकवरी का ट्रेड पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिला है और आज के सेशन में भी एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रही, तो हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ पे देखना चाहिए। 1050 का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज का बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 22-22.5 रुपए के आसपास, इस पे बाय करने की सलाह। हमें लगता है टीवीएस मोटर ओवरऑल तो इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लास्ट 2 महीने में देखें तो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन था, एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक ने जिस तरीके से सीरीज के आखिरी पड़ाव पे ये एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। अपसाइड में हमें लगता है टीवीएस मोटर की अपसाइड 1100 की तरफ बढ़ेगी। 1050 का कॉल ऑप्शन बाय करना, इसके टारगेट होना चाहिए करीब 38 रुपए से 40 रुपए तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 15 रुपए के आसपास। 1050 की कॉल जो कि आप खरीद सकते हैं, 38 से लेके 40 तक के टारगेट यहां पे बन सकते हैं और 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको राजेश जी टीवीएस मोटर की साइड पे लॉन्ग पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि एफएनडो का टॉप गेनर भी आज टीवीएस मोटर बजाज ऑटो है, जिसपे राजेश जी ऑलरेडी व्यू दे चुके हैं। राजेश जी, 2 FMCG की कंपनियां और जिसमें एक HUL और एक कोलगेट, पुल बैक है एटलीस्ट कोलगेट में तो कल के सेल ऑफ के बाद और HUL में भी रिसेंट सेल ऑफ के बाद, क्या करें? बिल्कुल, डेफिनेटली HUL का स्ट्रक्चर तो ठीक ही लग रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से HUL में पिछले 4-5 वीक से देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और इसमें यहाँ पे एक स्ट्रेंथ जरूर बनी हुई है, तो हमें लगता है HUL में प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करें तो 2630-40 के लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा एक इसमें ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को 2700 की तरफ लेके जा सकता है। तो HUL में लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है और हमें कहीं ना कहीं लगता है इस तरीके की वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ भी मार्केट का रुझान होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 2590 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 2670-2680 के लिए लॉन्ग किया जा सकता है HUL फ्यूचर को। कोलगेट में हमें लगता है अभी थोड़ा वीकनेस है, स्टिल थोड़ा पुलबैक जरूर बना है बट हायर साइड के इसके जो मेजर हर्डल बने हुए करीब 1490 के आसपास के इसके हर्डल बने हुए, जब तक वो लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करेगा थोड़ा यहाँ पे वापस सप्लाई आते हुए दिख सकता है, तो रिलेटिव दोनों स्टॉक में हमें लगता है HUL पे के साथ जा सकते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के। तो HUL में आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं, कोलगेट भी बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ HUL ज्यादा प्रेफर्ड बेट है, करीब करीब 0.5% ऊपर एटलीस्ट अभी काम काज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी जो कॉल्स है वो बताने के लिए, बाजार पर अपना व्यू रखने के लिए, हीरो जीरो ट्रेड देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सेकंड हाफ में पुल बैक आए और हीरो जीरो ट्रेड बढ़िया रिटर्न बनाता हुआ दिखाई पड़े। मार्केट्स के अंदर जो सिचुएशन है वो भी बड़ी नजर डाल लेते हैं। 17,891-890 के जोन पे काम काज हो रहा है, मिड कैप में 1.5% का फॉल थोड़ा एक्सटेंड हुआ इनफैक्ट, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% नीचे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास पर होल्ड सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ, नमस्कार।